हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल गार्डन ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, आज एक ऐसे दिव्य और पवित्र प्लांट को उगाना सीखेंगे जिसका फूल सांस्कृतिक सभ्यताओं और शाश्वत सौंदर्य का प्रतीक है। यह फूल प्राचीन हिंदू, बौद्ध और मिस्र सभ्यताओं के संकेतों में विशेष स्थान रखता है। साथ ही हमें पवित्रता के साथ जीवन की कठिनाइयों को पार कर अद्भुत सौंदर्य के साथ महत्ता जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। हमारे वेद पुराणों में, धार्मिक मान्यताओं में इस फूल को अति विशेष दर्जा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोटस यानी कमल के बारे में। ये फूल सृष्टि की तमाम खूबसूरत और सुंदर कलाकृतियों में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। और आज के वीडियो में हम इसी दिव्य और अलौकिक सौंदर्य के प्रतीक कमल को अपने घर पर ही आसानी से कैसे ग्रो करें ये सीखेंगे। कमल या वाटर लिली, जो कि लोटस का ही एक प्रकार है, उसे दो तरीकों से उगाया जाता है। एक तो बीजों से उगाया जाता है, बीज की मदद से उसको जर्मिनेट कर लिया जाता है। और दूसरा कमल के ट्यूबर्स या राइजोम बीज ने बोलते हैं, उनसे हम इनको ग्रो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बीजों से ग्रो करना सीखते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे गार्डनर इसे अपने घर आंगन में उगाना और लगाना चाहते हैं, किंतु इसके बारे में पर्याप्त जानकारी न होने की वजह से आपको अपने घर आंगन में कमल खिलाना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज के वीडियो में मेरे साथ चलिए और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कमल को उगाना, उसका पालन पोषण सब कुछ किस तरह से करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, बिना स्किप किए सारे स्टेप को आप समझिए और फिर आप भी अपने घर पर कमल जैसे हसीन फूल को उगाइए। कहीं कोई दिक्कत या परेशानी महसूस हो तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी तरह से इसे उगाने में आपकी मदद करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि इसके बीज आप देखिए, इस तरह के इसके बीज होते हैं, हार्ड शैल होता है, चारों तरफ काफी कठोर होते हैं और किसी भी पूजा पाठ का सामान जहां मिलता है उस जगह पर ये बड़ी आसानी से 2-3 रुपए प्रति बीज आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो बीज है वो ज्यादातर देसी कमल का बीज होता है, जो पूजा पाठ की दुकानों से बाजार से आप खरीदेंगे वो देसी कमल का बीज होता है। इस देसी वैरायटी पर फूल आने में एक तो काफी समय लग जाता है और इसका प्लांट भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध भी आपसे करता हूँ, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करके मंगाए हैं 2 पैकेट। ये 2 पैकेट हैं, लेकिन इसमें सीड जो है लोटस के वो 3 तरह के हैं। पैकिंग को अनपैक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह के सीड हैं और किस तरह की पैकिंग में सीड भेजे हैं, कैसी सेफ्टी मेजर हैं कंपनी की। ये देखिए, ये न्यू इलेक इंडिया करके कंपनी है, मैं पहली बार इनका सीड यूज़ करूँगा, रिव्यू आगे बताऊँगा कि किस तरह का सीड इनका निकला है। फिलहाल पैकिंग तो अच्छी की हुई है, ये फॉइल पेपर की पैकिंग है और ये 15-15 सीड के 2 पैकेट मुझे मिले हैं, दोनों में एक जैसे सीड हैं, 15-15 सीड। ये देखिए, इस तरह का ये सीड है दोस्तों। अब सारे सीड हम नहीं लगाएंगे, देखने में अच्छे हेल्दी सीड लग रहे हैं, नहीं तो हल्के और थोते अगर होते तो हाथ में लेने से ही पता चल जाता है। सारे सीड हमें नहीं लगाने हैं दोस्तों। ये दूसरा पैकेट भी मैं ऊपर ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सारे सीड अगर मैं लगाऊंगा तो प्लांट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये 2 पैकेट इसमें अलग अलग वैरायटी के निकले हैं और इनके ऊपर जो है दोस्तों, ये मैं पढ़ लूंगा कि एक्सपायरी डेट कब तक है, वैलिडिटी कब तक है, ये देखना बहुत जरूरी है। एक्सपायर सीड हमें एक्सेप्ट नहीं करने हैं। जो भी सेलर है वो ट्रस्टेड सेलर से ही आप खरीदिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। साथ ही कौन सी वैरायटी का है, देखिए नाम लिखा हुआ है मिनी लोटस सीड प्लस साथ में गोल्ड लोटस 2 यूनिट। इसके अंदर इसी तरह से 15-15 बीज की 2 यूनिट निकलेंगी और ये पर्पल लोटस है जिसे नील कमल भी दोस्तों कहते हैं, तो ये पर्पल लोटस निकलेगा, नील कमल इसमें निकला है अभी आपको मैंने दिखाया। अभी क्या करते हैं, तीनों से हम अपने सीड को निकाल लेते हैं और उसके बाद में अगले प्रोसेस को हम करेंगे, तीनों में से सारे सीड हम निकाल लिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये सीड मेरे मैंने 1 पैकेट से लिए हैं और इनमें से जो भी हेल्दी मोटे सीड होंगे, सारे सीड लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे, तो मैं 5 सीड केवल ले रहा हूँ। हर वैरायटी से मैं 5 सीड लूँगा दोस्तों और उनको इस तरह एक बाउल में डाल लेंगे, हम 5 सीड को बाउल में डाल लेंगे और बचे हुए जो सीड हैं उनको अच्छी तरह से उसी तरह पैकिंग करके सेलो टेप से अच्छी तरह पैक करके रख देंगे। ये सीड लोटस का सीड ऐसा होता है, 1-2 साल अभी ये मेरा ख़राब होने वाला नहीं है, वैसे 1 साल की वैलिडिटी इसके पैकेट के ऊपर भी लिखी हुई थी। अब ये 5 सीड क्या करना दोस्तों, इस तरह से आपने एक सैंड पेपर या एमरी पेपर लेना है जिससे लोहे को घिसके जंग साफ किया जाता है, रेगमाल भी जिसे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है,
और ये देखिए जो सीड के दो सिरे हैं, एक सिरे पर सीड फ्लैट है और एक सिरे पर चोंच सी बनी हुई है। चोंच जिस तरफ बनी हुई है, नुकीला हिस्सा जो है उस तरफ से हमें इसे नहीं घिसना है, लेकिन जिधर से ये फ्लैट है उसमें हल्का सा गड्ढा बना हुआ है। मैं स्क्रीन पे अलग से एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, जिस तरफ गड्ढा बना हुआ है उस तरफ से अपने एमरी पेपर या सैंड पेपर पे थोड़ा मोटा रेगमाल लीजिएगा, हम इसको अच्छी तरह से घिस लेते हैं दोस्तों। और घिसना कब तक है, तब तक इसको घिसना है, तब तक इसको रब करना है जब तक कि इस सीड के अंदर जो इसका फूड है वो हमें वाइट कलर में दिखाई नहीं दे जाता। अंदर का जो बीज है, जो एम्ब्रॉय है, उसका वाइट कलर हमें दिखाई दे जाएगा। ऊपर की जो ये हार्ड कोटिंग है इसको हम पूरी तरह से घिसते चले जाएंगे। बीच बीच में रुक रुक के हमें देखते रहना है कि क्या सफ़ेद पोर्शन दिखना शुरू हो गया, थोड़ा सा दिखाई दे जाए, मामूली सी दिखाई दे जाए, बस उतना ही काफ़ी है। ये देखिए दोस्त, जैसे कि ये मुझे दिखाई दे गया है, अब यहाँ इस सीड के लिए मेरा काम फिनिश हो गया है। देखिए पैकेट के ऊपर भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि ये घिसने का जो प्रोसेस है, जिसे स्कैरिफिकेशन करते हैं, वो कब तक करना है, वो जब तक ये वाइट पोर्शन दिखाई दे तभी तक करना है। और इस तरह से अलग अलग सारे सीड को मैंने घिस के तैयार कर लिया, मैंने रब करके स्कैरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है। रेगमाल को अलग रख देते हैं। अब अपने सैंड पेपर को देखिए दोस्तों, इसमें सारे सीड आप देखिए, ये वाली अलग अलग वैरायटी मैंने तीन अलग अलग बाउल में रख दिए हैं, क्योंकि तीनों अलग अलग मिनी लोटस, गोल्ड लोटस और पर्पल लोटस नीलकमल के अलग अलग बीज मैंने अलग अलग कर लिए। अब घिसने का काम तो पूरा हुआ, अभी अगला काम हमें क्या करना है दोस्तों, तीन ग्लास इसी तरह से कांच के ग्लास में आप पानी ले लीजिए, तीनों की अलग अलग क्रमवार मैंने इनको रखा है ताकि ये मिक्स ना हो जाए, और एक पेपर से कटिंग करके सेलो टेप की मदद से मैंने इसके ऊपर इसका नाम लिख के, जो भी इसकी वैरायटी है उसका नाम लिख के और आज की डेट डाल के ये स्टिकर लगा दिए हैं, ताकि पहचान रहे अलग अलग, मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं कि कौन सा लोटस कौन सा है, किस वैरायटी का है। तो मैंने तीन कांच के ग्लास लिए हैं, कांच के इसलिए लिए हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो इनकी ग्रोथ का मुझे पता चलता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें सोक करने के लिए अपने बीज को डाल देता हूँ, और लोटस पानी में ही उगता है दोस्तों। अब क्या करना है, आपने इन तीनों ग्लास को शेडी एरिया में रखना है, सीधी धूप से बचा के आपने रखना है, और रोजाना 24 घंटे के अंदर एक बार इस पानी को जरूर बदल देना है दोस्तों। पानी के अंदर फंगस ना पनप जाए, पानी के अंदर बैक्टीरिया से सीड खराब ना हो जाए, इसलिए हर 24 घंटे में एक बार हम तीनों ग्लास में अपना पानी चेंज करते रहेंगे। और अब इसको एक शेडी एरिया में रख देता हूँ, घर के कमरे के किसी भी कोने में सुरक्षित इसको रख देता हूँ, और फिर मैं इसके अपडेट आपको दिखाता हूँ क्या प्रोग्रेस इसमें होती है। 4 रोज बाद दिखाऊंगा, 8 रोज बाद दिखाऊंगा, 10 रोज बाद दिखाऊंगा। वैसे नॉर्मल टेम्परेचर अगर हो, वातावरण का टेम्परेचर 20 डिग्री से ज्यादा है, तो 4 से 5 दिन में ये उग जाएगा दोस्तों। पाँच दिन बाद का ये रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए वही तीनों अलग अलग पर्पल लोटस, गोल्ड लोटस और मिनी लोटस के वो सीड हैं। देखिए जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, किसी किसी सीड में बहुत छोटी सी सीडलिंग निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे, और तीनों ही ग्लास में ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए बीज फट चुका है, और यहाँ देखिए, अरे वाह, देखिए इसमें से तो बिल्कुल बहुत छोटी छोटी दो स्टेम निकलनी शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तीनों में ही मेरा जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया दोस्तों, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और शेडी एरिया में रखा है, 24 आवर में, हर 24 घंटे में पानी जरूर बदलिएगा, मैं भी हर 24 घंटे में पानी बदल रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए 9 दिन बाद आज का ये रिजल्ट मैं आपको दिखा दूं, लोटस में एक बार जर्मिनेशन अगर स्टार्ट हो गया तो फिर ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं। देखिए कितनी तेजी से ये पानी की सतह की ओर भाग रहे हैं, कुछ में तो आप ध्यान से देखेंगे छोटी छोटी पत्ती बननी शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ से ये निकला है जर्मिनेशन, मेरा सीडलिंग निकली है, और ये देखिए छोटी सी टिप की तरफ ये इसमें पत्ती है, ये देखिए, और ये तो लगभग ऊपर की सतह तक पहुँच भी गया, बहुत तेजी से ये ऊपर की तरफ भागते हैं, पानी से बाहर निकल के इसकी पत्ती खुल जाएगी, और देखिए इसमें तो लगभग 1 2 3 4
हाँ, ये बहुत शानदार सीडलिंग मेरी जर्मिनेट हो गई है दोस्तों, बहुत ही शानदार। दोस्तों अब आगे इनका क्या करना है, किस तरह से लगाना है, क्या फर्टिलाइजर देना है, क्या देखभाल करनी है, वो सारी चीजें आने वाली वीडियोस में लगातार आपको बताता रहूंगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया, मेरी लोटस जर्मिनेशन पसंद आई तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी गार्डनिंग।